तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रेड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों एक्चुअली शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली हम बात करने वाले हैं कि गूगल पे का यदि बैलेंस नहीं चेक हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसा मैं साइड में दिखा रहा हूँ स्क्रीन साइड ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देख लीजिए और यदि पसंद आए वीडियो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं देर नहीं करूँगा, जल्दी से करूँगा वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आप भी परेशान हैं, कुछ इस तरह से आपका गूगल पे लिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस नहीं चेक हो पा रहा है, बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो घबराने की बात नहीं, आई मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे दोस्तों रूल रेगुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो घबराइए मत दोस्तों, आई मैं आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, गूगल पे मेरा ओपन है और यहाँ पे हमको बैलेंस चेक करने में दिक्कत हो रही है, बार बार मुझे वही एरर आ रही है। तो दोस्तों होता क्या है, ये कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमको प्रॉब्लम होती है, तो घबराने की बात नहीं है, कुछ रूल आपको फॉलो करना होगा, मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स का, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐप्स का या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आपके सेटिंग में होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अब अपनी ऐप को ढूंढ लेना है कि गूगल पे है आपकी कहाँ पे है। मेरे यहाँ पे है गूगल पे, देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, बैलेंस चेक करने की जो प्रॉब्लम हो तो आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ रूल है। रूल ये है कि यहाँ पे जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ, क्लियर डेटा करने जा रहा हूँ, तो आपको दोस्तों आपका जो सिम है ना, जो आपके बैंक से लिंक है, उसमें कम से कम 10 रुपये होना चाहिए, तभी जाके ना जो मैं क्लियर डेटा मार दूंगा तो दोबारा से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डेटा होने के बाद फिर से अकाउंट आपका एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसमें इसका चार्ज 2-3 रुपये लगता है। तो आपके मेन जो सिम है ना, उसमें मेन बैलेंस 6-7 रुपये 8 रुपये होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रूल फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों यदि आपके मेन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे क्लियर डेटा मत करिएगा, जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, जब रिचार्ज करवा लीजिएगा ना तब यहाँ पे रूल आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अब आपको क्या करना है आई मैं बताता हूँ। यदि आपके फ़ोन में मेन बैलेंस है 10 रुपये तो ठीक है, नहीं तो 10 रुपये का रिचार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद यह रूल अपनाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, क्लियर डेटा का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा से अपने गूगल पे ऐप को हम ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं ओपन करने जा रहा हूँ गूगल पे, तो हमारे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे जिस नंबर से मेरा यहाँ पे अकाउंट वगैरह है, ठीक है, मैंने दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अपना जीमेल वगैरह ले लीजिएगा, तो मैं अपना जीमेल ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यही कि दोस्तों इसमें इसका चार्ज लगता है, तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ कुछ पैसे कटते हैं। तो देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया, मेरे मेन बैलेंस था। अब आपके सारे अकाउंट वगैरह दिखा दिए जाएंगे, आप कौन सा अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला करना चाहता हूँ, यूको वाला, तो एक्टिवेट मेरे अकाउंट पर क्लिक कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। अब कौन सी सिम आपकी लिंक है, एयरटेल की कि जियो की, तो मैं एयरटेल के, तो एयरटेल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक किया, अलाउ किया, और देखिए इसमें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे जो अब है गूगल पे, मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है, और अब हमारा यहाँ पे ना चाहे तो बैलेंस वगैरह आसानी से चेक कर सकते हैं, मेन बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।